¿Volvió a quitarme el aire? ¿Por nada? Sí, sí, sí. ¿Volvió a quitarme el aire? ¿Volvió a quitarme el aire? Nada, ya tígame. राजा रामचंद्र को आरती की जो राजा
जो राजा राम Thank you.
श्री रामचंद्र महाराज की जय। Thank you.
विधिवत श्री रामलीला के मंचन की पूजन मंच का पूजन होगा और विधिवत रूप से जो तैयारियां हैं वो आज से आरंभ हो जाएगी और शरद नवरात्रे 9 दिन भगवान का पूरी लीला दिखाई जाएगी। उसके बाद विजयवशी दशमी के दिन इसी चौगान में लंका और लंकापति रावण मेघनाथ कुंभकर्ण के पुतलों के साथ दशहरा मनाएंगे और इस विजय पर उनको बहुत ही हर्षोल्लास से चंबा मनाता है। पिछले लगभग 2-3 वर्षों से जो कोविड के कारण
ये कार्यक्रम नहीं हुआ, अभी भगवान राम की कृपा से ये कार्यक्रम हो रहा है। और हम भगवान जी से यही अरदास करते हैं कि अपना जो भी कार्य है उसको निर्विघ्न करने के लिए वो अपना हाथ सभी चंबा निवासियों पर रखे, और जो रामलीला का मंचन है वो फिर जिस तरह से हम मनाते थे उसी तरह से दोबारा सा मंचन करे। इन्हीं भावना के साथ और इसी श्रद्धा के साथ मैं सब चंबा निवासियों को भगवान राम का जो एक मंचन है उसमें पूरा योगदान दे और सभी सहयोग दे। जय श्री राम, वंदे मातरम, जय श्री राम। रामलीला के झंडा की रस्म अभी आपके सामने पूरी हुई है। अब झंडा रस्म के बाद हम अपनी रिहर्सलें एक महीने पहले शुरू करेंगे, उसके बाद रामलीला का मंचन होगा। हमारी यहाँ पे कुश्ती का प्रोग्राम भी होता है। आज हमारी ये झंडा रस्म बहुत बढ़िया तरीके से हुई है। मैं भगवान राम से आशा करता हूँ कि हमारा रामलीला का सारा प्रोग्राम अच्छे तरीके से निभाएं। जय श्री राम। मैं लियाकत खान सर्वप्रथम रामलीला क्लब चंबा का आते दिल से आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने आज जो है वो रक्षाबंधन के मौके पर जो है आज रामलीला का जो है झंडा फहराया गया। इस जुलूस में, इस शोभा यात्रा में मुझे शिरकत करने का जो है इन्विटेशन दिया, मैं इनका धन्यवाद करता हूँ। और जैसा कि आप जानते हैं कि चंबा का इतिहास सांप्रदायिक स्वार हिंदू मुस्लिम भाईचारा, इससे पहले भी मैं साहू प्रोथा सालो जितने भी यहाँ पे हमारे दशहरे होते हैं उसमें हम शिरकत करते हैं। और अभी आपने देखा होगा कि मिंजर का मेला मेले में भी मुस्लिम समुदाय के मिर्जा परिवार से जो है वो लक्ष्मण भगवान जी को जो है मिंजर चढ़ाई जाती है। एक जिस तरह सोचा जाए तो राम भगवान की बात की जाए, गुरु नानक जी की बात की जाए, हजरत मोहम्मद पैगम्बर की बात की जाए, ये एक भगवान की ओर से मैसेंजर दुनिया को अच्छा रास्ता दिखाने के लिए आए। और हम सबको मिलकर इंसानियत के रास्ते पर चलना चाहिए। और एक बार फिर पुनः मैं जो है वो अपने रामलीला क्लब चंबा का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मुझे शिरकत करने का मौका दिया। धन्यवाद। पवन सुत हनुमान के वृंदावन।